छात्र ध्यान देंगे। पाठ चार है शब्द विचार। आपने पिछले पाठ दो में पढ़ा था वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे बात करेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहलाती हैं, यानी वर्णों का जो जिनका कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, सार्थक शब्द, वो शब्द कहलाता है। तो एक या इसके डेफिनेशन है परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द की इस परिभाषा से दो बातें पता चलती हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों का होता है। आप कह सकते हैं कि एक वर्ण का शब्द कैसा होता है, इसे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो न एक वर्ण शब्द है जिसे पता चल रहा है कि माँ तितली पकड़ने को मना कर रही है। शब्द बनाने के लिए ध्वनियों का सार्थक अर्थ सहित मेल आवश्यक है। आप बोर्ड देखो फ और ल को जोड़ करके बना दिया, तो फ और ल को अलग करेंगे तो वर्ण है, लेकिन वर्णों को हमने एक जगह मिला दिया इसलिए फल कहलाता है। उसके बाद में शब्द तो हो गया वर्णों के सार्थक ध्वनि को जो है शब्द कहते हैं। दूसरा है पद। शब्द और पद एक ही चीज़ होते हैं। शब्द का तो कोई अर्थ होता है, अर्थात सार्थक होता है, और पद कहते हैं व्याकरण के नियमों में जो बन जाता है उसको पद कहते हैं। शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है, ये पद कहलाता है। जैसे फल, लफ इत्यादि शब्द। अब फल का तो क्या है, फल होते हैं, लफ का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, इसलिए निरर्थक शब्द को हम हिंदी के अंदर जो है शब्द नहीं मानते हैं। भाषा कई प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने और कौन कौन से हैं, इस दृष्टिकोण से इन्हें चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है व्याकरण के आधार पर। अब सबसे पहला जो बिंदु है वो है स्रोत या व्युत्पत्ति। एक ही बात है, चाहे स्रोत के आधार पर कह दो या व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है हिंदी शब्द को पांच भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, विदेशज या आगत शब्द, यानी विदेशों से जो शब्द आए उनको विदेशज कह दो या आगत आए इसलिए आगत शब्द कहते हैं। पांचवा है संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो मूल रूप से संस्कृत से आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, घृत, ग्राम, गृह, गौ आदि, ये संस्कृत के शब्द हैं, हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा इसका हिंदी रूपांतरण तद्भव शब्द कहलाता है। तद्भव यानी उनका आवश्यकता के अनुसार जो है थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पानी, ऊपर आपने इसको तत्सम हो गया जल, घृत का यहाँ पे घी है जो घृत तत्सम, तो घी इसका तद्भव हो गया। ग्राम यानी गांव, तो गांव तो है तद्भव और ग्राम है तत्सम। गो यानी गाय, गाय का गाय उद्भव और तत्सम गाय। कुछ तत्सम शब्दों को जाने, जैसे अंध का तत्सम और तद्भव दोनों दिए हुए हैं, तो अंध का अंधा, अग्नि का आग, अग्र का आगे, अश्रु का आंसू, अष्ट का तद्भव आठ, आम का आम्र, उष्ट्र का ऊंट, कर्म का काम, कार्य का काज, काष्ठ का काट, कूप का कुआ, कोकिल का कोयल। वैसे ही चंद्र का चांद, चरम का चाम या चमड़ी भी कह सकते हो आप, छिद्र का छेद, ज्येष्ठ का जेठ यानी बड़ा, दधि यानी दही, दिवस तत्सम होता है, तद्भव होता है दिन, दिवस का दिन, नासिक का नाक, पत्र का पत्ता, बिंदु का बिंदी, भिक्षा का भीख, मयूर का मोर, माता का मां। वैसे मुख का मुंह, मृतिका का मिट्टी, मृत्यु का मौत, वधु का बहु, शाक का साग, सूस का सूखा, श्यामल का सांवला, सत्य का सच, सर्प का सांप, सूर्य का सूरज, सौंदर्य का सूरज, सौंदर्य का सुंदरता और स्वच्छ का साफ। यह आपके आगे क्वेश्चन भी आएगा। देशज शब्द,
देशज का मतलब है अपने ही, हिंदी और उसकी बोलियों के वे शब्द जिनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देसी शब्द है खाट, खाट चारपाई को कहते हैं, पलंग, थैला इंग्लिश में बैग, धोती, पगड़ी, पानी, पेट, खिचड़ी, खिड़की, गाड़ी, झाड़ू, डिब्बा, बिटिया, बेटा, लकड़ी, लोहा, लोटा आदि, ये सब देश शब्द कहलाते हैं। अब है आगत शब्द यानी विदेशी भाषा के शब्द, दूसरे देशों के संपर्क में आने पर उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में शामिल हो गए वे उन्हें आगत शब्द कहते हैं। ऐसे मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी और पुर्तगाली के शब्द हैं। जैसे अरबी के है उम्र, किताब, खत, अमीर, जात, गुस्सा आदि, वैसे ही फारसी के अमरूद, आसमान, जमीन, आज़ादी, दोस्त, रुमाल, नमक, सरदार आदि। तुर्की के शब्द हैं कैंची, कुर्सी, चम्मच, बहादुर, बारूद, चाकू, तो, बेगम आदि। अंग्रेजी के शब्द हैं कंप्यूटर, फिल्म, डॉक्टर, मशीन, स्टेशन, स्कूल आदि। पुर्तगाली शब्द है अलमारी, साबुन, फीता, बाल्टी, कमीज आदि। चीनी शब्द चाइनीज, चाय, लीची, चीनी, चाकू, चीकू आदि। अब ये हैं संकर शब्द, न तो वो आगत शब्द है, न तत्सम है, न तद्भव, न देशज, न विदेशी, यानी मिले जुले दो भाषाओं के मतलब संकर हो गए मिश्रण जो शब्द होते हैं। जैसे गुलाब है फारसी का शब्द और जल है, तो संकर शब्द कहेंगे दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्द और शब्दांश के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण अभी आपके सामने गुलाब प्लस जल, गुलाब जल, तो गुलाब तो है फारसी शब्द और जल है हिंदी। वैसे ही टिकट, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है, तो दो भाषाओं के शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलकर के ये शब्द बने। पार्टी, प्रवक्ता, पार्टी इंग्लिश का वर्ड है और प्रवक्ता हिंदी का वर्ड है, दोनों मिला के पार्टी प्रवक्ता हो गया। पुलिस, चौकी, पुलिस अंग्रेजी का है, चौकी हिंदी का, तो शब्द बनेगा पुलिस चौकी। फल हिंदी का है, दार फारसी का, तो फलदार। फूल हिंदी, दान फारसी, फूलदान। लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी, लाठी चार्ज। इस प्रकार से जो रचना के आधार पर जो है शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं, मेन वर्ड। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक शब्द में ना और कह का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार खाट, दूध, पुस्तक, प्राण, रात, विश्व आदि भी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थ है योग से बना, मूल शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करें तो प्रत्येक खंड सार्थक होता है। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, सुपुत्र, सु प्लस पुत्र। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास द्वारा होती है। योगरूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, अंतर इतना है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हिमालय, तो हिम का मतलब बर्फ़ होता है, आलय का मतलब घर होता है, तो जहाँ पानी का घर हो यानी वह जगह जहाँ, तो उसको हिमालय कहते हैं। परंतु हिमालय शब्द ऐसी किसी भी जगह का बोध न होकर एक पर्वत विशेष का बोध होता है, वह है हिमालय पर्वत। वैसे ही जलज, जलज का मतलब कमल जो जल में खिलता है ना, तो उसको जलज कमल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जन्म और जलज का वैसे होता है जो पानी में जन्मा हो या जल में उत्पन्न हुआ हो। तो यहाँ जैसे ये है दस आनन, दस आनन, दस आनन हैं जिसके वह कौन है, रावण के अर्थ में, तो तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। जैसे बहुवीरी समास के अंदर होता है लंबोदर, लंबा है, उधर क्या है, जिसका पेड़, अर्थात इसको तीसरा अर्थ कौन सा प्रकट कर रहा है, गणेश के। तो सभी योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द यौगिक होते हैं किंतु उसे यौगिक योगरूढ़ शब्द नहीं होते। सभी योगरूढ़ शब्द यौगिक होते हैं किंतु सभी यौगिक योगरूढ़ शब्द नहीं होते हैं। जैसे सेनापति यौगिक है और दशानन योगरूढ़ यौगिक भी है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी। अब सीधा सा अर्थ है, वाक्य में आने पर जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन, अर्थ के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द हैं वाक्य में आने पर लिंग, वचन कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी जैसे के वैसे ही रहते हैं, जैसे के जैसे, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं होता, इनको अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक।
फिर है चौथा पॉइंट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं। सार्थक का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों को कोई अर्थ होता है उन्हीं शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं, और व्याकरण में उन्हीं शब्दों का जो है अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। एकार्थी शब्द जैसे अर्थ है, एकार्थी यानी शब्द का एक ही अर्थ वाले शब्द। अनेकार्थी, एक ही शब्द के कई प्रकार के कई अर्थ निकलते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जो पर्यायवाची शब्द। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले शब्द जिनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द उल्टा। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है सुनने में समान लेकिन भिन्न की दृष्टि अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द जो है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनको विपन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में आने पर व्याकरण नियमों में बंधा शब्द पद कहलाता है। तो यह आपके आगे क्वेश्चन भी आएगा कि सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है और पद जो है व्याकरण के नियमों में बंधा शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है, आपको बताया, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपको पहले पढ़ा आपने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी और अर्थ के आधार पर अलग अलग हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो आपका देखो पहला जो है प्रश्न, पहला ही है, शब्द और पद का अंतर उदाहरण से ही समझाइए। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो शब्द और पद का अंतर उदाहरण, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वह शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो पद कहलाता है। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, देखो रचना के आधार पर पीछे भी बताया कि रचना के आधार पर शब्द के तीन वाक्य शब्द के जो है तीन भेद बताएं, इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। यह आप कर लेंगे कि आधार पर शब्द एक भेद है रूढ़ शब्द इनके, ये आप अपने आप करेंगे। तब यह भी निम्न तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखे, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मयूर का मोर होता है, दंत का दांत होता है, लो का लोया होता है, सर्प का सांप होता है, दूध का दूध होता है, दही का दधी का दही, साग का साग, नौका का नाव, घट का घड़ा, जीवा का जीव, धैर्य का धैर्यता और सौंदर्य का सुंदरता। वैसे आप इनका तत्सम रूप जो है मैंने अभी आपको बताया, धान यानी धान्य, अम्मा तो माता, ऐसे पीछे आपको पदाय निम्न से शब्दों को सही वर्ग में आप लिख देंगे, सीरियल, लोटा, धोती, किताब, आदुर, क्या है, तत्सम है, तद्भव, दो ग्रुप बना लेंगे उसको, देशज और आगत, विदेशी शब्द को वैसे लिखेंगे और देशज को, देशी शब्दों को देशज में। रचना की दृष्टि से शब्द भेद लिख देंगे कौन सा है, और उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है, इनके सार्थक शब्द बना लेंगे आप वाक्य के अंदर सार्थक शब्द, जैसे गियोग उल्टा लिखा हुआ है आपको लिखेंगे यौगिक, दूसरे में सभी से विशेषण, प्रकृति, प्रतियोगिता, यह है पाठशाला, साक्षात, इसी प्रकार से जय दान, योग, योन, दाग, अग्नि, इसी प्रकार से, इस प्रकार से जो है आप इसको बना लेंगे। पांच संकर शब्द भी आपको बताया मैंने, जैसे टिकट घर, गाड़ी वाला, रेलगाड़ी इत्यादि शब्द आप बना लेंगे। ये आपका पार्ट पूरा हो गया और आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरह, पार्ट को मैंने समझा दिया है, प्रश्न उत्तर आप अपने आप करके जांच करा दें, दिक्कत आए परेशानी के लिए आप क्लास में संपर्क करेंगे।